हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया पप्पी स्वाबड्डा। आज मैं बिहार पुलिस का न्यूज़ लेकर के नहीं आई हूँ, नहीं कोई बुक के बारे में बताने के लिए आई हूँ। आप लोग के पास 2 से 3 मिनट होगा ना इस वीडियो को पूरा देखना। मैं अपने जर्नी के बारे में बताऊँगी, 2 साल में मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा। 2 साल का हो गया है, मैं नौकरी 2 साल कम्प्लीट कर ली हूँ और आप लोग को बताऊँगी। अच्छा लगे तो कमेंट्स करना, ठीक है। देखो, जब नौकरी लगी, जब मेरिट लिस्ट में, पहले तो गॉड से प्रे करते थे क्योंकि 68 मार्क्स ही था मेरा, तो मैं गॉड से प्रे करती थी जितना मेरा मार्क्स है ना उतना पे ही कट ऑफ जाए। कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ, 68 पे ही कट ऑफ गया मेरा। फिजिकल में 68 ही था, OBC से हूँ मैं तो 68 पे ही कट ऑफ गया। जब मेरिट में मैंने नाम देखा तो तभी थोड़ा सा आंसू आ गया था, रोना आ गया था, मैं रो भी दी थी। अब पापा से मैं जब पहला कॉल मेरे पापा को गया था, मैं पापा को कॉल की पापा मेरा रिजल्ट हो गया, तो मुझे रोना आ गया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सरकारी नौकरी होती कैसे है, क्योंकि मैं एक गांव से हूँ, और ये कोई मैटर नहीं करता कि मैं बिहार पुलिस में हूँ। देखो, सबके जीने का तरीका अलग अलग होता है। मुझे यूनिफॉर्म से बचपन से ही प्यार था, और मेरी मम्मी, मेरा एक स्कूल था, स्कूल में एक लेडीज आई थी, सूट पहनी हुई थी यूनिफॉर्म वाला, खाकी वाला, तो मेरी मम्मी उसी दिन बोली थी, मैं थोड़ी मोटी थी, अब मैं दुबली हो गई हूँ क्योंकि मुझे खाना, सब खाना पसंद नहीं पड़ता, मैं गिना चुना खाना खाती हूँ। खैर, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो आप लोग सुनोगे नहीं। तो उसी दिन से मेरी भी बॉडी थी, तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, मैंने एग्ज़ाम दिया लॉकडाउन में, रिजल्ट हो गया, फिजिकल करी, फिजिकल मेरे लिए वेरी डिफ़िकल्ट था करना, लेकिन कर ली मैंने, क्योंकि हिम्मत होना चाहिए। फिजिकल के टाइम में 2-3 बार मेरे को पानी चढ़ी, फुटबॉल लग गई थी पेट में फील्ड पे, खैर आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद जब मेरिट में नाम आया, पापा कॉल करी, फिर जॉइनिंग का लिस्ट आया, कितना से कितना जाना है। वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण मैंने बुक में पढ़ी थी 1917 के क्रांति के बारे में, पहला जो सत्याग्रह हुआ था, नील विद्रोह हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, राजकुमार शुक्ल जो बोले थे, तो आए। लेकिन ये नहीं पता था कि इतना डिफ़िकल्ट जर्नी होगा। सबने कहा कि दौड़ लोगे, रिजल्ट हो जाएगा, उसके बाद कोई मेहनत नहीं है। मैंने भी सोचा चलो कर लेते हैं। जब वेस्ट चंपारण आई तो यहाँ सुबह शाम पीटी परेड जो नियम होता है वो हुआ, होने लगा। मेरा तबीयत साथ नहीं देता, घर का भी सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल था, मेरा जो हेल्थ है साथ नहीं देता है, बचपन से मेरा तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब ही रहता है। नौकरी होने के बाद मैंने सोचा अब मेरी लाइफ सेट हो गई, अब मैं जो चाहूँगी वो होगा, क्योंकि मुझे इतना रुपया अच्छा है, मतलब खर्च करने के लिए काफ़ी है। घर भी ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉब्लम तो सब घर में आ ही जाती है। घर की स्थिति ठीक ठाक है, उतना भी ये नहीं है, लॉ नहीं है। मैं आप लोग को छूट क्यों बोलूँ कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं ज़्यादा अमीर भी नहीं हूँ, लेकिन ठीक हूँ। मेरे पापा बहुत अच्छा परवरिश दिए, मेरी माँ और पापा माँ ही है। मैं एक गाँव से हूँ और मैंने जो जो डिमांड किया, मैंने जो जो जिद किया, वो सब पूरा किया। तो जब मैं यहाँ ही हो गया तो फिर मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा। ट्रेनिंग में बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी गई। आप लोग बोलते हैं बिहार पुलिस की नौकरी ऐसे हो जाती, लेकिन ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं होती है। जब मैं ट्रेनिंग में गई तो 10-10 किलोमीटर रनिंग करवाते थे डेली 10 किलोमीटर, 10 बजे तक ग्राउंड में रहना, फिर क्लास करना, फिर पढ़ना, फिर मतलब सुबह शाम। बहुत ज़्यादा रूटीन थी, बहुत ज़्यादा। जो ट्रेनिंग कर रहे होंगे उनको पता होगा, या जो आएंगे वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग रहे। तो जब मैं ट्रेनिंग सेंटर गई तो वहाँ 1000+ कैंडिडेट का खाना बनता था, वहाँ का खाना मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बहुत बीमार पड़ गई। और पहला छुट्टी गई थी 1000 लड़कियों में, वो मैं ही थी। SP सर से, वहाँ कमांडेंट साहब होते हैं, डायरेक्ट मैंने कहा मैं घर जाऊँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, वह मजाक भी बनाते थे मेरे। तो मेरा फिज़िकल थोड़ा बहुत वीक ही रहा, लेकिन सब सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, सब इंसान ही है, एक इंसान का हेल्प करते हैं। तो मेरे लिए ट्रेनिंग करना बड़ी डिफ़िकल्ट था, मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं चली जाऊँगी बिना ट्रेनिंग का ही। मैं रेड कैप देता है, ट्रेनिंग तक जब तक नहीं करोगे तब तक आपको रेड कैप दिए जाएंगे, और फिर जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो ब्लू कैप दिए जाते हैं। तो ट्रेनिंग मैंने कर ली, मेरा हैंड भी क्रैक हो गया था, पहले का तो वीडियो आप लोग देखे नहीं हो, मेरा हैंड भी क्रैक हो गया था, तो भी मैं ट्रेनिंग कर ली, ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। वहाँ का जर्नी काफ़ी क्रिटिकल रहा, जिसका मैं कह ही नहीं सकती हूँ, काफ़ी क्रिटिकल रहा। जब मैं 1 ईयर मतलब अगस्त में गई थी, और जून में मेरा पासिंग परेड हुआ था, जून में मेरा पासिंग परेड हुई थी 26 जून को, फिर मैं यहाँ आई तो यहाँ मेरे को टाउन थाना मिलने के बाद मुझे ये जंगल मिल गई, जहाँ नेटवर्क की सुविधा नहीं। और मेरी जर्नी ना बड़ी क्रिटिकल है, सबकी जर्नी होगी लेकिन मेरी जर्नी बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल है,
कि मैंने सोचा था नौकरी के बाद मुझे मनपसंद जगह मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। और मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं, मैं आप लोग को भी कहती हूँ, अगर नाजुक सिचुएशन आता है तो फाइट करो, फाइट करो। एक दिन सब दिन नहीं रुकता है, मतलब आज कष्ट है तो कष्ट ही सब दिन नहीं रहेगा, आपकी लाइफ में सुख आएगी। और एक कॉमन बात जो है ना, सुख दुख, आदमी को सुख याद नहीं रहता और दुख वाले जो पल होते हैं, सुख वाले पल जो होते हैं वो याद रह जाते हैं। बस कॉमन यही बात है लाइफ में। लेकिन हाँ, अभी तक मेरी स्ट्रगल जारी है, मैं वहाँ हूँ जहाँ मेरे दम घुट रहा है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, कर भी क्या सकती हूँ, कर भी क्या कर, मतलब कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। जहाँ दिए गए हैं मैं वहाँ हूँ और अपना वीडियो बनाते रहती हूँ, बनाते रहती हूँ। आप लोग को लगता होगा ना फेमस होना चाह रही है, मेरी आदत हो चुकी है। हाँ, मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेरा थोड़ा अच्छा खासा व्यूज है, ये तो मेरा सपना ही है। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करना, कमेंट्स करना।